आता माझी सटकली। चंद्रमुखी चौटाला, अब तुम जेल में चक्की पिसोगी और मैं ये सारा सामान लेके भाग जाऊंगी। आई ग, तू तो गंगूबाई आहे ना? गंगूबाई, आता तुझा खेल खतम झाला। खतम झाला? आता मेरी है। लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना अलग क्यों है भाई? इस दा अरे यो है कारण, यो मास्क, यो मरी सकल का मास्क बनवा के उसे पहन के सारा गलत काम यो करती थी। चोरी, लूट, कुकर्म यो करती थी ताकि इल्जाम मारे पे आए, है ना? मैडम इसकी शक्ल देखिए गौर से, ये तो मेरी सूजी है। ये सूजी है मैडम, सूजी जिसे 5 साल पहले आपने गिरफ्तार किया था ऐसे ही किसी कारण के लिए और इसे जेल भिजवाया था 5 सालों के लिए। बाप बेटा, तुम्हारे से बदला लेने के लिए यो सब तुमने करा। खैर, चिड़िया कितनी भी तेज क्यों ना उड़ ले, हवाई जहाज ने ना छू सकती। पिछली बार 5 साल के लिए गई थी ना, इस बार 10 साल के लिए डलवाऊंगी तुझे जेल। लड़की छेड़ता है चक। नहीं छेड़ूंगा मैडम, नहीं छेड़ूंगा। नहीं छेड़ेगा, अभी मैं देखती हूँ कैसे छेड़ेगा। आऊंगी अभी थोड़ी देर में, आ गई हूँ, वेट कर। आए वेल, आई एम सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द है। किस लिए सॉरी बोल रहा है तू? आप मुझे ऐसे गुस्से से देख रही है ना, मैं सोचा शायद कोई मैंने गलती की होगी। जी है जी, बिजली का बिल चौकी का 3 महीने से पेंडिंग चल रहा है, भरा ना गया। इंटीमेशन आया है काट दिया जाएगा। मॉम, मैंने वो बिल्लू को कहा था जी भरने के लिए, इसने भरा ही नहीं। क्यों भी? नहीं मैडम, मैं तो गया था बिजली का बिल भरने के लिए बिजली विभाग में, फिर वहां पे मैं भूल गया, तो फिर मुझे याद नहीं रहा कि मैं क्या भरने आया हूँ, तो मैंने वहां पे फिर केले बेचे। आना जरा एक मिनट। यस मैडम। पैसे कहाँ हैं? पैसे तो हैं यहीं पे, ये पैसे ड्रॉअर में रखे, पैसे तो मैं लेके ही नहीं गया था। गोपी ऐसा ही, यो पैसे पकड़ और कल सवेरे सबसे पहला काम तू यो ही करेगा, बिजली विभाग जाएगा, यो बिल भरेगा और जो यो काम ना हुआ कल, तो मिस्टर गोपी तुम्हारे बदन में बदकिस्मती का करंट मैं दौड़ा दूंगी। डोंट वरी मॉम, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ। डोंट वरी, शट अप। सॉरी। मैडम नमस्ते, पानी पीना है? पिलाओ। नहीं, मुझे एफआईआर लिखवानी है, पानी पीना है।
अरे लाइन पे ना पिया जा रहा। चार दिन से प्यासी हूँ मैडम, क्या बता दूं। ले भैया बड़ी मेहरबानी। क्या बात हो गई? असल में मैडम हम अतर्रा से आई हूँ, चूड़ी पहनूंगी चूड़ी वाली गली में। अरे अतर्रा से आई है, अमरीका से भी आई हो, चूड़ी की जगह ब्रेसलेट पहनना तो भी मैं क्या करूँ। ना ना मैडम आप समझी ना, हम समझा ना पाई मैडम, हम अमेरिका से ना आई, हम तो अतर्रा से आई है। क्या हो गया? मैडम हम दोनों है ना अतर्रा में रहते हैं, वहां से आए हैं। अरे अतर्रा तर्रा तर्रा तर्राए जा रहे हैं, यो नहीं आगे बढ़े। अतर्रा से आगे बढ़ेंगे तो बांदा आता है। मतलब अतर्रा में मैडम एक कुआं है जिसके आसपास धुआं है, तो वहां के जमींदार जो है ना वो उस कुएं में से हम लोगों को पानी ही नहीं लेने देता। पानी पीना है। नहीं तो तुम लोग क्या चाहते हो, हमारी मैडम वहां जाकर के कुआं खोदे और पानी निकाले? आना जरा। वाओ 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 वाओ। ऐसे बात करते हैं पब्लिक से। पुलिस पब्लिक की सर्वेंट है, पुलिस पब्लिक की सेवा के लिए है। करो सेवा, करो पानी पिलाओ। पीना है ना? नहीं। अबे जब कर रहे हैं सेवा तो ले क्यों ना रे, पिला पानी। हाँ ठीक है दे दो। पानी पीना है तो मैं ये क्या लोहा पिला रहा हूँ? लाओ बहुत पी लिया, मैं पीऊँ। हाय बड़ी मेहरबानी। दरअसल मैडम मैं क्या कह रही हूँ, मैडम बड़ी कृपा है जाएगी आपकी हमारे संग अतर्रा चल लो। क्या है कि जमींदार आपको देख के डर जाएगा। नहीं मैं ताड़का की शक्ल की हो रही हूँ, मन्ने देख के डर जाएगा। ना ना मैडम आप समझी ना। मैडम हम सही से समझा ना पाई। दरअसल बात क्या है मैडम कि आप हमारे संग अतर्रा चलोगी तो जमींदार ये देख के मैडम डर जाएगा कि भैया देखो इनकी पहुंच तो लेडीज पुलिस तक है रही है, तो फिर मैडम वो कुइयां से पानी भरने देगा हमें। इतना बस? इतने छोटे से काम के लिए इतनी लंबी चौड़ी मैडम जाएंगे? आना जरा। यस मैडम। मेरा ये मतलब नहीं था मैडम, मेरा ये मतलब था कि बस छोटा सा तो काम है तो हम में से कोई भी जाएगा तो हो जाएगा। हाँ तो मैडम आप किसी को भी भेज दीजिए, बस पानी पीना है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि आज भी ऐसे इलाके हैं इस देश में जहाँ पानी तक पे लोग अपना अधिकार जमाते, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। तू ये कल बिजली का बिल भरने जा रहा है ना, उससे पहले तू अतर्रा निकल और जरा जमींदार ने समझा क्या। मॉम अगर ना समझे तो? ना समझे तो फिर मैं समझाऊंगी अपने स्टाइल में। यस ठीक है जी, हो जाएगा, आप लोग निकलिए। लेकिन पानी पीना है। अरे इनको दो जरा घड़ा और बाल्टियां। ए गोलू सनी देखा कितनी कृपालू है। आलू है? ना ना मैडम गलती है गई, सही से ना बोल पाई। कोई नहीं कोई नहीं, चलिए ओके नाइस मीटिंग। पानी पीना है इसमें। चलो जल्दी, बड़ी मेहरबानी मैडम, आओ। अरे वाह, आइए आइए। अरे झुक झुक जियो भैया। चलो अतर्रा 10 किलोमीटर दूर आ गए, पहुंच गए अब तो। ले 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 ले। कितना था धुआं इस दा, अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ इस दा। आए, 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 आए।
दा आर इस दा हाईवे से अचानक गार्डन कैसे आ गया धुएं के पार इस दा है? देखता हूँ हाय दया राजकुमारी कमल कांता मैं कुछ नहीं जानता जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाना चाहिए कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पिता श्री महाराज कमल चक्षु हमारे प्रेम के बीच दीवार ना बन जाए चूहा पहलवान है सच कहा आपने राजकुमार सौमित्र मेरे पिताश्री हैं विचित्र उन्होंने राजा शुद्ध बदन के साथ शुद्ध बदन मेरा विवाह करने का प्रयत्न किया है चुईया भैंगी है हे नहीं नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता ऐसा होगा राजकुमारी कमल कांता और ऐसा जरूर होगा बबेरू के इतिहास में कौन हो तुम राजकुमार सौमित्र यही है वो बबेरू गढ़ के राजा शुद्ध बदन जो हमसे विवाह की लालसा रखते हैं चुईया भेंगी है ए विचित्र प्राणी तुम वहां छिप छिप कर क्या देख रहे हो चल हट बाहर निकलो आता हूं कौन हो तुम मैं हूं गोपी इसदा जो पहनता है कानून की टोपी इसदा है ये किस प्रकार की भाषा में बात कर रहे हो और ये किस प्रकार के वस्त्र धारण कर रखे तुमने बबेरू के इतिहास में यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी सन 2014 में ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं और कैसी भाषा बोल रहे हैं कंफ्यूजन 2014 नहीं नहीं ये तो वर्ष 503 चल रहा है ये तो वर्ष 503 चल रहा है किसके यहाँ बैठा था कल शाम को भाटिया के गुलाटी के संधू के खन्ना के किसके यहाँ इतनी चढ़ा ली कि मन घड़न तनाप सनाप बकबका रहा है बातें वेल मॉम आप मेरी बात का क्यों नहीं कर रही यकीन इसदा मैं जहाँ पहुंचा वहां सन चल रहा था 503 इसदा है ठहरिए भैया मैं नींबू पानी मंगवाता हूँ तो थोड़ा होश आएगा अरे यार मैं होश में ही बात कर रहा हूँ आप ये क्यों नहीं कर रहे प्लीज मॉम बिहेव प्लीज या दिस वन अरे ये सारी बात छोड़ बिजली का बिल भरने को दिया था भर लिया तेने ओ मैं जी वहां बेहोश हो गया था जी फिर पैसे भी पता नहीं कहां गए जी पैसे भी बेहोश हो गए थे क्या नहीं नहीं ऐसा है ये होशियारी जो यो झाड़ रहा ना यहाँ यो मैं समझ गई हूँ सारी बात सब क्लियर हो गया मन ने पैसे जो मैंने दिए थे वो तो यो गया है खा या तो इसने जुए में उड़ा दिए या अपनी वो जो इसकी पगलेट आंटी घूम रही ना के नाम उसका लप्पी लूथरा उस पे उड़ा दिए इसने और ये हमारे सामने के बोलेगा जवाब है नहीं कोई इसलिए मन घड़ांत यो घिसी पिटी 503 सन वगैरह की कहानियां पेल रहा है वैसे भैया मैं आपको निहायत ही बेवकूफ गधा अकल से पैदल दिमाग से कर्फ्यू लगा हुआ आदमी समझता था लेकिन इतना नहीं जितना आज आपने साबित कर दिया और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा जाने मन मैंने एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे देखे लेकिन तुम्हारे जैसा खूबसूरती का भवन नहीं देखा उफ हिरनी की तरह तराशी हुई आंखें लाल लाल टमाटर की तरह गाल ये गुलाब की तरह सुर्ख लाल होंठ
पूरा सौंदर्य वर्णन प्राप्त करेगा फिर उठेगा कान तू। चल आज ही शादी करेंगे। चल कुछ हुआ था क्या? तू मुझसे शादी करने वाला था क्या? अच्छा हुआ फिर तो आपने मेरे कान उमेट दिए वरना मैं तो बर्बाद हो जाता भैया। नहीं बर्बाद अभी होगा एक आदमी यहाँ। कल तक पैसे का इंजाम कर गोपी और बिजली का बिल भर वरना कल ही मैं अपना इस्तीफा लाके दे मारी टेबल पे। कल थारा चौकी में लास्ट डे। well... बहुत बड़ा पहलवान समझता है तू अपने आप ने? हैं? बोल आज के बाद हिंदुस्तान की तमाम छोरियां तेरे लिए के हैं। बहन ओके एक्सक्यूज मी मॉम। किस किस चीज के लिए एक्सक्यूज होना मांग रहा है वो बता पहले। नो मॉम आज के बाद मैं ना कहूंगा आपसे एक्सक्यूज इज द ना मी इज द हसीना अगर देसी है तो मैं हूँ घी इज द। बिजली का बिल जमा कर दिया या फिर कोई बहाना रेडी फ्रेश एकदम? नो मॉम मैंने बिजली का बिल नहीं भरा इज द कोई बहाना नहीं करा इज द। हद कर दी भैया आपने हद कर दी। मैडम के कहने के बावजूद भी आपने बिजली का बिल नहीं भरा। कितने भुलक्कड़ हैं आप। कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? मैं भी तो हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आदर्श रखता हूँ अपनी। एक शेर अर्ज किया है कि तेरी जुल्फे में लेके भाग जाऊंगा, तेरी जुल्फे में लेके भाग जाऊंगा, सोच फिर लोग क्या कहेंगे जब मैं वापस ना आऊंगा। कुछ हुआ था क्या? Mom, this is my इस्तीफा इस दा। आज के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से हो जाऊंगा दफा इस दा। ये मैं क्या देख सुन रहा हूँ भैया? ये क्या है ये? मतलब आप जैसा मोटी चमड़ी का आदमी जो बेशर्मी की चादर ओढ़ के सारी शर्म छोड़ के रिटायर तक होने को तैयार नहीं है वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या करूं बिल्लू? मॉम मेरी बात का नहीं कर रही है यकीन इस दा। मैं जहां गया था वो युग था 503 इस दा। ओके बाय मॉम। अरे रुक गोपी। चल ना। Are you mad? क्या बावड़ा हो गया? पागल हो गया है? नौकरी छोड़ रहा है तू? तो क्या करूं मॉम? आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही है। पहले नहीं कर रही थी, फरीब कर रही हूं। जब थारे जैसा आदमी नौकरी छोड़ने तक आ गया इसका मतलब थारी बात में सच्चाई है और सच्चाई जानने के लिए मैं खुद जाऊंगी सन 503 में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।